कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां आपकी? मुझे पता है इस समय सब लोग बहुत बिजी होंगे, कोई क्रैकर्स की शॉपिंग कर रहा होगा, कोई मिठाइयों की, और कभी कोई कोई बच्चा ना अभी भी घर के पंखे साफ कर रहा होगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच आप लोगों ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। मैं आप लोगों का बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगी अब पढ़ाई का। इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर सारे ही बच्चों का सिर घुमा देता है, लेकिन मैं इस टॉपिक को आपके लिए करने वाली हूँ बहुत आसान। और आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसका आज हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशन करने वाले हैं। और इस इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ ही आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है एकदम करेक्ट ऑर्डर में याद हो जाएगी, और इसके बाद आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो है वो याद रखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हायरार्की, और वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए इस दुनिया में आप लोगों को जितनी भी चीज़ें दिखती हैं ना, वो सारी की सारी जो हैं किसी ना किसी ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस में अरेंज है। उसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडी को इजी करने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी भी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर दी गई है, और उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी मीन्स कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ओवर द अर्थ। तो और उन कैटेगरीज को जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको हम लोग लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? आप लोग खुद बताओ, ये जो लीनियन वर्ड है इससे आपको किस साइंटिस्ट का, किस बायोलॉजिस्ट का नाम याद आता है? कार्लस लीनियस, जी हाँ। अब ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को कार्लस लीनियस ने ही दिया था, जिन्होंने सारी के सारी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन की थी। जब आप लोग प्लस वन की बायोलॉजी शुरू करते हो तो जो आपको एक पहले बायोलॉजिस्ट का नाम अपनी बुक में दिखेगा, चाहे आप एनसीईआरटी ले लो, प्रदीप ले लो, ट्रूमैन ले लो, या फिर आप कोई भी बायोलॉजी की बुक ले लो फेमस, जो फर्स्ट नेम आप किसी भी साइंटिस्ट का देखेंगे वो है कार्लस लीनियस। इसकी वजह ये है कि जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई करने का एक प्रॉपर सिस्टम दिया था, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया लीनियन हायरार्की या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए अब देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या है। देखिए हायरार्की, देखिए हायरार्की वर्ड क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे कैटेगरीज भी है हायरार्की भी है, दोनों वर्ड क्यों यूज हुए? हायरार्की का मीनिंग है कि जो हमारी कैटेगरीज हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। हायरार्की मींस आवर कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अब देखिए जैसे कपड़े ही हैं, हम लोग कपड़ों को ले लेते हैं, कपड़ों में ये देखिए मैंने एक पोलो शर्ट पहन रखी है, कुछ लोग राउंड नेक पहनते हैं और कुछ लोग वी नेक पहनते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के टॉप्स पहनते हैं, सब लोग ये शर्ट्स पहनते हैं या कोट्स पहनते हैं। अब टॉप्स ट्यूनिक्स कुर्ती ये सब क्या होगी, ये सारी होगी टॉप वेयर की कैटेगरीज। लेकिन क्या कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है इनका, हम लोग ऐसे कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं कि पहले टॉप फिर पोलो फिर कुर्ती? नहीं, ऐसा नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस द कैटेगरीज आर नॉट इन हायरार्की, वेयर एज इन लिविंग सिस्टम इन बायोलॉजी कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इन हायरार्की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं एक प्रॉपर हायरार्की, हायरार्की यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में है, और उस सीक्वेंस को हमेशा मेंटेन किया जाता है। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। आपने देखा ना क्या है डेफिनेशन, हायरार्की बोला जाता है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब ये जो है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ओके, दिस रेड कोट इज फ्रॉम ट्रूमैन्स बुक। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस कोट को रीड करूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी, और मैं इस कोट को आपके लिए दो बार रीड करूंगी ताकि आप लोग इसको अपने माइंड में बिठा के समझ सको। द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ध्यान से सुनिए, द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ कैटेगरीज डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाइएस्ट।
ठीक है, दो बार रीड कर दिया, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। ये कोड क्या बोलता है कि जो सिमिलर करेक्टर्स हैं, अब देखिए हम लोगों ने बात कर ली कि कैटेगरीज बनाई गई है, कैटेगरीज बनी किस बेसिस पे है, ये तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं मेरे से अभी तक, कैटेगरीज किस बेसिस पे बनी है। तो जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज बनी है सिमिलर करेक्टर के बेसिस पे, जो ऑर्गेनिजम्स में, जिन ऑर्गेनिज्म में जितने करेक्टर ज्यादा मिलते हैं वो एक कैटेगरी में है, जिनमें कम करेक्टर मिलते हैं वो दूसरी कैटेगरी में है। ये जो कैटेगरीज बनी है ना, ये हम लोग बात करें कि कैटेगरीज बनी कैसे बनी, कैटेगरीज बनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स विच आर सिमिलर इन ऑर्गेनिजम्स, जिनमें ज्यादा करेक्टर सिमिलर है वो एक कैटेगरी में है, जिनमें कम करेक्टर सिमिलर है वो दूसरी कैटेगरी में है। और ये कोटेशन क्या बोलती है, ये कोट बोलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो करेक्टर्स हैं, सिमिलर करेक्टर्स हैं, दैट डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट रैंक। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू द हाईएस्ट रैंक। ठीक है, जो सिमिलर करेक्टर्स हैं वो लोएस्ट रैंक में ज्यादा होंगे, हाईएस्ट रैंक में कम होंगे, यानी कि जो लोएस्ट रैंक होगा उसके करेक्टर्स ज्यादा सिमिलर होंगे और जो हाईएस्ट रैंक होगा उसके करेक्टर्स कम सिमिलर होंगे। और ये जो सिमिलैरिटी है करेक्टर्स की, इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक। द सिमिलैरिटी ऑफ करेक्टर्स इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक। सबसे छोटे रैंक में सबसे ज्यादा सिमिलर करेक्टर, सबसे बड़े रैंक में सबसे कम सिमिलर करेक्टर्स। अब ये कैसे पता लगेगा बड़ा रैंक कौन सा है और छोटा रैंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा, बिगेस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक, किंगडम, हाईएस्ट रैंक इज किंगडम, स्मॉलेस्ट रैंक इज स्पीसी, स्मॉलेस्ट रैंक इज पीसी। तो अब इसको कोड का क्या मीनिंग हुआ, जो हमने पढ़ा उसको नीचे अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, वो ऐसे कि जो स्पीसीज हैं, हमारी जो स्पीसीज हैं उनमें करेक्टर होंगे सबसे ज्यादा सिमिलर, और हमारे जो किंगडम्स हैं किंगडम्स में होंगे करेक्टर सबसे कम सिमिलर। अब इस कोड को अगर हमने यहाँ अप्लाई करना हुआ तो कैसे करेंगे, अब जैसे ये जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज में करेक्टर क्या होंगे सबसे ज्यादा सिमिलर, स्पीसीज के करेक्टर क्या होंगे सबसे ज्यादा सिमिलर, और किंगडम जो होंगे किंगडम में करेक्टर क्या होंगे कम सिमिलर। नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स इज मोर इन स्पीसीज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स इन किंगडम। तो ठीक है, ये हम लोगों को समझ आ गया। अब ठीक है, ये सारा समझ तो आ गया, लेकिन अब याद कैसे करेंगे, ये जो सारी की सारी हायरार्की कंफ्यूजिंग ही पड़ी है, पता ही नहीं लगता फाइलम कहाँ पे है, किंगडम कहाँ पे है, ये ऑर्डर में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, मुश्किल है ना याद करना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसे याद करना बिल्कुल आसान बना दूंगी। और क्योंकि मेरे पास है आप लोगों के लिए बिल्कुल खास ट्रिक इस हायरार्की को याद करने के लिए, अगर आप उस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वो ट्रिक चाहिए, उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना भूलना नहीं आप लोगों ने, और हमारी जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच।